मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से आ जाऊं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी। दोस्तों, आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूं, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 18 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है, रात 8:45 के बाद नवमी तिथि शुरू, वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का अश्विनी नक्षत्र है, देर रात 2:58 के बाद भरणी नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों सिद्ध योग है, दोपहर 2:48 के बाद साध्य योग शुरू। करण दोस्तों विष्टि करण है, सुबह 9:23 के बाद भव करण शुरू और रात 8:45 के बाद बालो करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मकर राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:16 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:22। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों और यह संकल्प बोलना शुरू कर। हरिओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्ध श्वेत वराह दे वैवस्वत मन कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापार के चावल वाले शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी सवसरो शोभन नाम सरसरे उत्तरायणी हेमंत ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्षी गुरुवार वासरे अश्विनी नक्षत्रे सिद्ध योगी विष्टि करने अष्टमी शुभ दिन वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा मोह पात्र दुर्तक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दे दोस्तों। दोस्तों, ये संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 9:23 तक है। ये समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें, नया संकल्प तैयार करें, उसमें आप जो विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करें दोस्तों, तब जाकर आपका जो संकल्प है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगा और आप उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस तरह दिए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 22, 24, 25, 26, 31।
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 25, 30, 31 फरवरी तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 22, 24, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्त, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 22, 25, 26, 31 फरवरी तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 26, 27 फरवरी तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए कोई पंडित की माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओ दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पंचांग शुद्धि सुबह 9 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है, और जो भक्तगण इस व्रत का आचरण करते हैं उन्हें नियमों का पालन करते हुए माता दुर्गा के मंदिर में जाकर या अपने घर में ही अपने कुल देवी को दुर्गा माता मानकर उनकी सेवा करनी है दोस्तों। वैसे तो हम हर दिन कुल देवी के मूर्ति पर या टाक पर अभिषेक लेते हैं, अभिषेक युक्त सेवा हमारी रोज होती है। तो कुछ विशेष ऐसी सेवा बोली तो आप दुर्गा माता मंदिर जाकर खुद दर्शन ले सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको उपवास घर आकर छोड़ना है। शाकंभरी देवी उत्सव आरंभ होने जा रहा है आज से दोस्तों, और पूर्णिमा तक यह उत्सव रहेगा दोस्तों। अग्नि धरती पर रात 20:45 के बाद हाजिर है, यानी कि रात 8:45 के बाद हाजिर है। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक, मतलब दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में आप अपना कोई महत्वपूर्ण काम अगर बनते बनते बिगड़ता है तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपके काम में आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कॉमेंट जरूर दें दोस्तों। मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो मास्तु।